मेरे साथ में मेरा जूनियर है सुरेंद्र शर्मा, उसको आती गाली गलौज कर दी। जब मैंने कहा भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब मुकदमे में पैर भी मत करो वरना तुमको भी मारेंगे पकड़। मैंने इसका अपोज किया तो सबने मिलकर को मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। आज दिनांक को जेएम चार के सामने किशनलाल सारदा का मुकदमा था, जिसके अंदर बंसीलाल, किशनलाल, भगवान सिंह, किशनलाल का पुत्र कृष्ण कुमार, ये सब आए हुए थे। जबकि एक्चुअल में उसमें गवाही सिर्फ भगवान सिंह की थी, इन सब का कोई काम नहीं था। बंसीलाल की पहले गवाही हो चुकी है उसके अंदर। अब इन्होंने आते ही मेरे साथ में मेरा जूनियर है सुरेंद्र शर्मा, उसको आते ही गाली गलौज कर दी। जब मैंने कहा भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब मुकदमे में पैर भी मत करो वरना तुमको भी मारेंगे पकड़। मैंने इसका अपोज किया तो सबने मिलकर को मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उससे मेरी चोटें लगी, हाथ में लगी है वो, तो बीच बचाव करवा लिया, नहीं तो मार ही लेते। आज हाथ पे लात मुझे, ये देखो ये लगी है, ये पूरा पूरा सूज रहा है, यहाँ पर कमर में दर्द है। मुकदमा क्या था? मुकदमा प्रॉपर्टी का है। एक्चुअल में क्या है, जो शारदा देवी है उसकी प्रॉपर्टी पे ये लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, किशन लाल वगैरह फर्जी रजिस्ट्री से। अब उसके अंदर इनकी गवाही हो चुकी है, उनको लग रहा होगा इसके अंदर के साहब उनके हाथ से कुछ निकल रहा है, तभी उन्होंने मना किया कि साहब पैरवी नहीं करनी है आपको, वरना तो कोई क्यों मना करेगा। अभी मुकदमा दर्ज करने ही आए हैं, रिपोर्ट दे दी है, चार लोगों के खिलाफ है, वही जो उन्होंने मारपीट करी उन सबके खिलाफ ही है। नहीं अभी होगा, मेडिकल के लेके जा रहे हैं मेरे को। आज ऋषिराज चौधरी हमारे अधिवक्ता है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 के वहाँ किसी अपने पक्षकार के साथ खड़े थे, तो वहाँ एक सिविल केस चल रहा था, उसमें कोई पक्षकार है जिनसे सुरेंद्र नाम के अधिवक्ता के साथ कोई माथापोड़ी या बदतमीजी कर रहा था वो पक्षकार, तो इन्होंने मना किया, तो इनके साथ भी जो है लड़ाई झगड़ा उसने शुरू कर दिया। और ऋषिराज जी ने बाहर को प्रार्थना पत्र दिया है, हम लोग सभी थाने पे आए हैं और थाने पे मेडिकल हो रहा है उनका, और मेडिकल के साथ साथ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश कर दिए हैं। अब मेडिकल होने के बाद हम इस मुद्दे पे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं और मांग कर रहे हैं, अब प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, यहाँ से एक्ट पास होके भी गया हुआ है, तो इस एक्ट को पास कराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि इस तरीके की घटना आए दिन जो न्यायालय परिसर में होते हैं नहीं हो। और न्यायालय परिसर में जो लोग बाग आते हैं अपराधी किस्म के लोग होते हैं।